हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के DRDO क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 12 के साथ सेट नंबर 12 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेट नंबर 12 के जनरल स्टडीज का जो क्वेश्चन है वो 36 नंबर से स्टार्ट है और पहले भी सेट में यही है, 36 नंबर से 65 नंबर तक का क्वेश्चन जो होता है ये सामान्य जानकारी का रखा गया है। तो सामान्य जानकारी के जो क्वेश्चन सेट नंबर 12 का है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है 36 नंबर पर, अन्नामुड़ी शिखर कहाँ स्थित है। अन्नामुड़ी शिखर कहाँ स्थित है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अन्नामुड़ी शिखर कहाँ स्थित है, तो आप देख रहे हैं कि अन्नामुड़ी ये प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत जो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत अपना है, तो प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत में ये हमारा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत में ये पूर्वी, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो मिलाता है उसको नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। और नीलगिरी के नीचे आपका, नीलगिरी के नीचे आप अन्नामलाई है, अन्नामलाई, अन्नामलाई है। और अन्नामलाई के नीचे आप देखेंगे तो कार्डमम हिल है, कार्डमम, कार्डमम हिल है। और कार्डमम के नीचे है तो पालिनी, ये देखिए ये आप जरूर याद रखिएगा, ये पूछता है, ये ऑर्डर भी पूछता है। और ये पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट हो गया, ये आपका पूर्वी घाट हो गया। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम किया नीलगिरी, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम किया नीलगिरी। नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे कार्डमम, कार्डमम के नीचे पालिनी। और ये जो अन्नामुड़ी है, अन्नामुड़ी जो शिखर है वो कहाँ है, तो अन्नामुड़ी शिखर जो है वो अन्नामलाई में, अन्नामुड़ी शिखर अन्नामलाई में है, अन्नामुड़ी शिखर अन्नामलाई में है। अब देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशा कॉटन का जो फाइबर है वो कहाँ से है, होता है उसका क्या निकलता है कहाँ से है, तो वो सीड्स से। तो 36 का आपका बी हो गया, 37 का आपका, 37 का भी आपका बी होगा, 37 का भी आपका बी होगा, 36 का भी आंसर बी होगा, 37 का भी आंसर बी होगा, 36 का भी बी होगा, 37 का भी आंसर आपका बी होगा। और 38 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ सत्याग्रह में इनमें से किसने भाग लिया था, किसने नेतृत्व दिया था, तो एनी बेसेंट, मृदुला सराभाई, भाई मंतू लक्ष्मी, सरोजनी नायडू। तो गांधी जी के साथ तो सत्याग्रह में बहुत लोगों ने भाग लिया था और गांधी जी का सत्याग्रह अलग अलग समय में अलग अलग आंदोलन के रूप में, तो गांधी जी के साथ सत्याग्रह में भाग लेने का ज्यादा समय को आप पे ये सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर 38 नंबर का आंसर हमारा डी होगा। फिर 39 नंबर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DBMS होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को DBMS कहते हैं। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया, यवनिका। तो देखिए रंगमंच क्या है, भारत में ड्रामा, भारत में पहले से ही हमारा रंगमंच स्टेज परफॉर्म होता था, ड्रामा का एक परंपरा ये हमारे संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से रहा है ड्रामा। और जब ड्रामा परफॉर्म लोग करता था और एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड में जब जाना होता था तो दर्शकों के सामने ही फिर स्टेज पर बदलाव होना शुरू होता था। ये हम लोगों ने ग्रीकों से, यवनों से सीखा कि एक अगर सीन खत्म होता है तो फिर आप वहां पर कर्टन खींच दो, पर्दा लगा दो और उसके बाद जब फिर अपनी तैयारी कर लो तो पर्दा हटाओ। तो नाटक में ये छोटी सी बात है लेकिन हम लोगों ने वहां सीखा इस अरेंजमेंट को कहां से, तो ग्रीकों से। तो नाटकों में पर्दा खींचने का, एपिसोड के बीच में पर्दा खींचने का जो प्रचलन हम लोगों ने सीखा वो ग्रीकों से, यवनों से सीखा, इसलिए नाटक के पर्दा को यवनिका कहा गया, नाटक के पर्दा को यवनिका कहा गया। क्वेश्चन क्या है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया, तो ये सी यूनानियों ने, 40 का सी यूनानियों ने किया, ठीक है यूनानियों ने, तो 40 का सी यूनानी हो गया। और यूनानियों के बारे में आप जानिए कि यूनानियों से, यूनानियों को भारत का काली मिर्च बहुत पसंद था इसलिए काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया है, काली मिर्च यानी ब्लैक पीपर को यवन प्रिय कहा गया है। और नाटक में जो हमने पर्दा का यूज किया तो पर्दा के यूज को हम लोगों ने यवनिका कहा, तो पर नाटक में पर्दा को यवनिका
और काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया है। यवनों से, ग्रीकों से हमने और भी, हमने भी कुछ सीखा है, कुछ वो भी हमसे लिए हैं। तो खास करके एक कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, दिन सप्ताह को 7 दिन में बांटने, ये जो संडे मंडे का जो है, ये कॉन्सेप्ट ग्रीक से लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट ग्रीक से लिया गया है। दूसरी बात तो सप्ताह का बांटने का, फिर एक चीज और है, मूर्ति कला, उनकी एक मूर्ति कला जिसको हेलिनिस्टिक मूर्ति कला कहते हैं, और हेलिनिस्टिक मूर्ति कला का प्रभाव भारत के मूर्ति कला पर भी पड़ा, और हेलिनिस्टिक मूर्ति कला से इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित जो हमारा मूर्ति कला है वो है गंधार मूर्ति कला। गंधार मूर्ति कला, तो गंधार मूर्ति कला, गंधार मूर्ति कला किससे इन्फ्लुएंस्ड है, ये क्वेश्चन पूछता है हेलिनिस्टिक मूर्ति कला से, और हेलिनिस्टिक मूर्ति कला कहाँ का, ग्रीक का। तो इस तरह से 40 का हम लोग का सी हुआ, 40 का आंसर सी हुआ। फिर 41 है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया, तंबाकू के प्रयोग को रोकने वाला कौन मुगल बादशाह हुआ, तो यहां जहांगीर होगा। तो 41 का सी जहांगीर, 41 का सी जहांगीर होगा। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया, तो 41 का सी जहांगीर। और जहांगीर का शासन काल आप जानते हो 1605 से 1627 है। जहांगीर के काल को चित्रकला का, मुगल काल में चित्रकला के विकास के लिए मुख्य रूप से जहांगीर के काल को जाना जाता है, यानी चित्रकला का विकास किसके काल में हुआ, जहांगीर के काल में हुआ। तो 41 का सी आपका हो रहा है, 41 का सी। 39 का भी हम लोगों ने डी कहा था, 39 का डी हो गया। 40 का आंसर आपका सी हो गया, यूनानी, और 41 का आंसर आपका सी हो गया, जहांगीर। 42 है, गीत और नृत्य द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करने वाला एक दक्षिण राजस्थानी जनजाति कौन है, तो राजस्थान की एक जनजाति जिसका जो को पार्जन गीत और नृत्य से चलता है, तो वो है गरासिया जनजाति का जो को पार्जन गीत और नृत्य से चलता है। और 43 नंबर क्वेश्चन है, यानी डी 42 का डी, 43 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। अब जानते हैं गंगा का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। उस डेल्टा क्षेत्र में एक मैंग्रोव एक वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष, उसके नाम पर उसको सुंदरवन, सुंदर उस वृक्ष के नाम पर, सुंदरी वृक्ष के नाम से उसको सुंदरवन बोलते हैं, उस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। तो गंगा का डेल्टा, तो 43 का सी हो गया। 44 है, वात्सल्य मेला का प्रतिवर्ष कहाँ आयोजन होता है, तो ये नई दिल्ली में, वात्सल्य मेला का प्रतिवर्ष आयोजन नई दिल्ली में। और 45वां क्वेश्चन हमारा है, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नांकित में से किसे प्रदान किया गया। साहित्य में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2018 में, तो दो बात यहाँ पर निकलता है, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कब का, 2018 का, और ये हो सकता है 2018 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उसका कौन सा वह ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ऐसा भी क्वेश्चन, तो वो 54वां। और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे, यानी किसे प्रदान किया गया, तो वो अमिताभ घोष है, और अंग्रेजी के राइटर है, अंग्रेजी के राइटर है, इंग्लिश के राइटर है, अमिताभ घोष। और ये पहली बार ज्ञान किसी इंग्लिश राइटर को, इंग्लिश में राइटिंग को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऐसे राइटर जो इंग्लिश में राइटिंग करते हैं उनको पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और ये है अमिताभ घोष। तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अमिताभ घोष को गया है, और 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी घोषणा हुई है, और 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई है, और वो मलयाली कवि यानी मलयालम भाषा के कवि अकीतम है, अकीतम। तो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयाली कवि अकीतम को मिलेगा, अकीतम को मिलेगा 2019 का मलयाली कवि अकीतम को, और 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयाली कवि अकीतम को, और 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के राइटर अमिताभ घोष को। तो 2019 वाला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार वो 55वां, तो 55वां अकीतम को, और 54वां अमिताभ घोष को। तो 45 का आंसर डी हुआ। 46 नंबर क्वेश्चन आइए, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं, मानचित्र बनाने के विज्ञान को, जिसमें मानचित्र बनाने की बात हम सीखते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। तो 46 का ए हो गया।
47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अब तक रुपए का अवमूल्यन कितने बार किया गया? तो 3 बार किया गया, आंसर आपका ए होगा, 47 का ए। और रुपए का अवमूल्यन यानी करेंसी का, गवर्नमेंट जब जानबूझ करके अपने मुद्रा का अवमूल्यन करती है, यानी मुद्रा का अवमूल्यन करने का मतलब मजबूत मुद्रा के तुलना में अपने मुद्रा का विनिमय दर जानबूझ के कम करना, इस स्टेप को डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहा जाता है, मुद्रा का अवमूल्यन करना कहा जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन क्या है? जानबूझ करके जब मुद्रा, अपनी मुद्रा का विनिमय दर कम करने की घोषणा होती है तो उसको मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। भारत में ये 3 बार हो चुका है, और ये 1949 में, 1966 में और 1991 में। यहां तक बात हो गई। दूसरी चीज ये कि आप अवमूल्यन करते क्यों है, ये तो उल्टा चीज लग रहा है। हम जानबूझ करके अपना रेट क्यों कम करेंगे, अपना एक्सचेंज रेट क्यों कम करेंगे, विनिमय दर दूसरे मुद्रा की तुलना में क्यों कम करेंगे, लेकिन ऐसा किया जाता है। ये कभी कब कब किया जाता है? जब अपनी देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई हो, या आपके यहाँ रिसेशन की स्थिति आई हो, मंदी आपको तोड़ना है, तो मंदी ज्यादा बड़ी बुराई है अर्थव्यवस्था का। मंदी अगर लगातार रह जाए तो वो स्थिति ज्यादा खराब है। तो इसके लिए हम कुछ दूसरे नेगेटिव चीज को ढोने पर तैयार होते हैं, और उसमें क्या होता है, हम अपने मुद्रा का अवमूल्यन तक करते हैं। और मुद्रा के अवमूल्यन से फायदा क्या होता है, जिसकी संभावना होती है फायदा क्या, कि हमारे यहाँ मैंने हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और हमारे यहाँ बाहरी इन्वेस्टमेंट बढ़ने की संभावना होती है। तो बाहर के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के उद्देश्य से डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जैसा स्टेप उठाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 47, तो 47 का ए हो गया। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त है? कितना एटीपी जो होता है वो एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो जो सेल में एनर्जी मॉलिक्यूल जो होगा वो एटीपी बोला जाएगा। और कितना, तो यहां पर आपको याद रखना है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो कितना एटीपी हमें प्राप्त होगा, तो 38 एटीपी प्राप्त होता है, 38 एटीपी। तो ये आपको याद रखना है जीएस के ख्याल से, तो ये बी हुआ। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी के डिवेंचर धारी कौन होता है? कंपनी के द्वारा जो सिक्योरिटीज इशू किया जाता है उसमें शेयर भी होता है, डिवेंचर भी होता है, बॉन्ड भी होता है। तो शेयर के द्वारा कंपनी में अंशधारक होता है, डिवेंचर जो होता है वो कंपनी को ऋण देने वाला होता है, कंपनी उसका ऋण धारक होता है। तो डिवेंचर क्या है, ऋणदाता, वो डिवेंचर ऋणदाता, लेकिन छोटा सा ऋणदाता, वो यूनिट लेता है। तो डिवेंचर ऋणदाता और शेयरर जो होगा वो अंशधारक, शेयरर अंशधारक, डिवेंचर जो होगा, डिवेंचर लेने वाला जो होगा, डिवेंचर धारी जो होगा वो ऋणदाता कहलाएगा। तो बी होगा, 49 का बी ऋणदाता। और 50 नंबर क्वेश्चन है, विकसित अर्थव्यवस्था में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है। विकसित अर्थव्यवस्था में बचत कम होती है क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल ऊपर होता है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्टिंग ज्यादा होता है, और उस पर लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना होता है, उसको बढ़ाना पड़ता है, जिसमें ऑप्शन है कल्याण कार्यक्रम। तो विकसित अर्थव्यवस्था की बचत कम होने का क्या कारण है, इन दिए हुए कारणों में आपका हो जाएगा बी, तो 50 का बी हो जाएगा। और 51 है यूफेनिक्स क्या है, तो ये मेडिकल साइंस या बायोलॉजी का चीज है कि यूफेनिक्स जिसके द्वारा जेनेटिक रोग को सुधारने का, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जिस जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, जेनेटिक जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जेनेटिक डिसऑर्डरेंस या जेनेटिक रोग को सुधारने की जो कोशिश होती है, जीन में सुधारने की, आगे के जनरेशन में इस तरह का नहीं हो, तो जेनेटिक जो डिसऑर्डरेंस को सुधारने के लिए जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो स्टेप्स होता है उसको कहा जाता है यूफेनिक्स, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज है। यूफेनिक्स टर्म क्या है, तो जेनेटिक से होने वाले रोग की संभावना को समाप्त करने का प्रयास है। तो इस हिसाब से 51 का आंसर ए होगा, 51 का आंसर ए होगा। और 52 नंबर क्वेश्चन है, एरिनोलॉजी क्या है? तो मकड़ियों के अध्ययन को एरिनोलॉजी कहते हैं, 52 का डी हो गया। और 53 है कॉर्पस ल्यूटियम एक ऑर्गेन है, इंटरनल ऑर्गेन है, और ह्यूमन बॉडी में खास करके फीमेल, खास करके नहीं होता है, ये फीमेल बॉडी का वो ऑर्गेन है,
और उससे पूछ रहा है कि वहां से क्या कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, तो कॉकस ल्यूटियम से सेक्रेट होने वाला जो हार्मोन है वो प्रोजेस्ट्रॉन है। प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन ये फीमेल हार्मोन है, फीमेल बॉडी का हार्मोन है, तो प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का है कि मेल मेल हार्मोन कौन सा है, इसमें से जो दिया गया उसमें कौन मेल हार्मोन है, तो वो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन जो है मेल हार्मोन, ये याद रखिएगा। तो 54 का C, 54 का C, 53 का A, 53 का A, 54 का C और 55 नंबर है एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, तो परमाणु के अंदर जो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है और इसलिए इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा शून्य से कम मानी जाएगी, शून्य से कम होगी, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा शून्य से कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो डी 55 का D हो गया। 56 प्रकाश का वेग क्या होता है, हम जानते हैं प्रकाश का वेग 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और 300,000 को मीटर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 3×10^8 मीटर होगा, तो इसके हिसाब से ए होगा, प्रकाश का वेग ए 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर किलोमीटर में रहता तो 3×10^5 किलोमीटर पर सेकेंड, 3×10^5 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर में करेंगे तो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, तो इस हिसाब से ए हुआ। और 57 है सेकेंडों का लोलक, वह लोलक है जिसकी समय अवधि टाइम पीरियड यानी एक दोलन में जो समय लगे तो टाइम पीरियड होता है, और एक सेकेंड में जितनी बार दोलन हो वो फ्रीक्वेंसी होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन एन वन सेकेंड वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो सेकेंडों का लोलक क्या है, तो अगर एक दोलन में एक सेकेंड लगता है, तो सेकेंड का लोलक होगा, तो इसलिए 57 का A होगा। 58 नंबर आ जाइए, एक जग में पानी है और उसमें बर्फ डाला हुआ है और स्थिति यह है कि पानी ऊपर नहीं गिर रहा है लेकिन वो पूरी तरह से भरा हुआ है, पानी बाहर नहीं गिर रहा है लेकिन वो पूरी तरह से भरा हुआ है, बर्फ उसमें में तैर रहा है। आप जानते हैं बर्फ 0 डिग्री पर होगा, और ये जानते हैं कि जल में ही एक खास बात है कि पानी का 0 डिग्री से 4 डिग्री तक अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस रेंज में, 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक में आप पानी का डेंसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर जब हम राइज करेंगे बढ़ाएंगे तो साथ साथ पानी का घनत्व भी बढ़ेगा ये, जबकि सामान्य क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो घनत्व कम होगा, लेकिन जल के केस में 0 डिग्री से 4 डिग्री के रेंज में उल्टा होता है, और इसलिए बर्फ, तो बर्फ से ज्यादा घनत्व तो पानी का है इसलिए बर्फ तैरेगा, ये एक बात हो गई। अब बर्फ पिघलेगा तो पानी कहाँ जाएगा, बर्फ जो पिघलेगा तो पानी क्या ग्लास के बाहर जाएगा क्योंकि वो भरा हुआ है, तो पानी ग्लास के बाहर नहीं जाएगा, वहीं पर रहेगा, वही लेवल रहेगा। इसका कारण यह है कि बर्फ जहां है वहां अपना जगह बनाए हुए है और उस जगह पर ही वो पानी एक्युमुलेट होगा, तो बर्फ जब पिघलेगा तो पानी बाहर नहीं जाएगा, बर्फ पिघलेगा तो पानी बाहर नहीं जाएगा, तो ये 58 का D होगा। अब 59 नंबर है, लोहा धातु में जंग लगने के लिए वायु में क्या होना चाहिए, तो ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी तभी जाके करोजन होगा यानी जंग लगेगा, तो जंग के लिए ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी, वाटर वेपर नमी और ऑक्सीजन, तो ये आपका 59 का B और 60 नंबर में आइए, भारत में आर्सेनिक समस्या, पानी में जो आर्सेनिक अब मिलना शुरू हो रहा है जो पहले नहीं मिलता था, इसका कारण क्या है, तो देखिए आर्सेनिक पृथ्वी के भूपरपट्टी में आर्सेनिक भी है और आर्सेनिक अलग अलग लेवल पर है, आर्सेनिक कुछ गहराई पर भी है, उससे भी ज्यादा गहराई पर है, फिर बीच में कहीं नहीं है, तो आर्सेनिक अलग अलग जगह पर है। पहले जो हम ग्राउंड वाटर निकालते थे, जहां से निकालते थे वहां आर्सेनिक की स्थिति कम थी या नहीं थी तो पानी आपको सही मिलता था, आप तेजी से वहां से ग्राउंड वाटर निकाल ले रहे हो तो वो क्या हो रहा है कि आपको और ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ रहा है, वहां पर जाने पर वहां पर अगर आर्सेनिक है तो आपके पानी के साथ आर्सेनिक आएगा, अगर और नीचे जाते हैं हो सकता है कि वहां आर्सेनिक नहीं हो तो वहां से पानी ठीक आएगा, तो ये स्थिति, तो एक तरह से पानी में जो आर्सेनिक की बात है उसका मुख्य कारण है कि ग्राउंड वाटर का जो तेजी से हम निकाल रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, वो मेन कारण होगा। तो आज पानी में जो आर्सेनिक की समस्या दिख रही है उसका मुख्य कारण है ग्राउंड वाटर का तेजी से दोहन, तो ये 60 का D हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है,
अब ये आपका करंट का क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन होने की बात है, तो उड़ीसा में, तो 61 का सी होगा। 62 है स्विट्जरलैंड के संघीय टकसाल, स्विट्जरलैंड की टकसाल ने 20 फ्रैंक मूल्य का एक चांदी का सिक्का बनाया है एक खिलाड़ी के, और उसकी छवि उस पर लगाया है, वो किस खिलाड़ी का, तो अपने एक सिक्के पर स्विट्जरलैंड की टकसाल ने अपने सिक्के पर 20 फ्रैंक के सिक्के पर किस खिलाड़ी का छवि बनाया है उसके आदर में, तो वो है रोजर फेडरर का छवि बनाया है अपने सिक्के पर। और फिर है 63 नंबर क्वेश्चन, किस फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 6ठी बार मैग्नन रेपिनो बेल्डियोर समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, ये 6ठी बार किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 6ठी बार इस पुरस्कार को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने प्राप्त किया है, और वो नाम है मेसी का नाम है, इसलिए 63 का सी होगा। और 64 नंबर है, 2018 में आई पुस्तक अर्ली इंडिपेंडेंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ये पुस्तक किसके, बड़ी फेमस पुस्तक है, बड़ी हाई सेलिंग पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेपर वी केन फ्रॉम, तो ये पुस्तक बहुत ही चर्चित पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक टोनी जोसेफ की है, वो इंडियन है, टोनी जोसेफ की ये पुस्तक है और टोनी जोसेफ जो है वो फॉर्मर एडिटर, बिजनेस वर्ल्ड के फॉर्मर एडिटर रह चुके हैं टोनी जोसेफ, यहाँ नोसेफ लिखा गया, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, टोनी जोसेफ की ये पुस्तक है अर्ली इंडियन आवर द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ये टोनी जोसेफ की पुस्तक है, डी, 64 का डी हो गया। और 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में अभी हाल फिलहाल नियुक्त किया गया है इन नामों में, तो के विजय कुमार है, और के विजय कुमार तमिलनाडु कैडर के आईपीएस है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, और उनको केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, नामी पुलिस ऑफिसर है, इंडियन पुलिस सर्विस के हैं, तमिलनाडु कैडर के हैं, और इनको खास करके एसटीएफ के गठन और एसटीएफ के संचालन के लिए जाना जाता है, तमिलनाडु में एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के लिए, और इनका नाम वो बीरप्पन जो चंदन तस्कर था, बीरप्पन उसकी समाप्ति में, उसको समाप्त करने या उसको मारने में भी इनका नेतृत्व रहा है, तो ये बीरप्पन का जो आतंक था उसको समाप्त करने का श्रेय भी इनके नाम से जाता है, के विजय कुमार का। तो 65 का आंसर हम लोग का ए हुआ, 65 का आंसर ए हुआ, और इसके साथ ही ये सेट नंबर 12 के सामान्य जानकारी के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ, यानी सेट नंबर 13 के जीएस क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।